अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रसिक बाल, सिटी एमएसआर फॉर डिस्कवर पाकिस्तान। इस वक्त हम मौजूद हैं डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ एंड साइंसेज में, जहां डाउ यूनिवर्सिटी एंड डाइस के ज़रिए तमाम साथी ऑल पाकिस्तान हेल्थ इनोवेशन एग्जीबिशन का इनका किया गया है। ये एग्जीबिशन किस लिए और यहाँ पे क्या कुछ है, आइए चल के डिस्कवर करते हैं। इस एग्जीबिशन में पाकिस्तान भर से 40 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया। तकरीबन 350 स्टॉल्स लगाए गए, जिनमें से मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट्स ने अपने अपने प्रोजेक्ट्स एग्जीबिट किए। हमारा बेसिकली जो काम है वो इस छोटी मक्खी फ्रूट फ्लाई है, बेसिकली इसको कहते हैं साइंटिफिक टर्म्स में ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो इसको जो है डिफरेंट बायोलॉजिकल रिसर्च में पूरी दुनिया के अंदर यूज़ किया जाता है। इसके ऊपर इतना काम हुआ है कि 6 नोबेल प्राइजेस, डिफरेंट नोबेल प्राइजेस मिले हुए हैं फ्रूट फ्लाई की रिसर्च पे, जिसमें से 3 नोबेल प्राइजेस इसी सेंचुरी में मिले। हमारा बेसिकली आइडिया ये है कि पूरी दुनिया में जैसे स्टॉक सेंटर्स हैं, लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड में 56 मुस्लिम कंट्रीज़ में से एक भी कंट्री में कोई स्टॉक सेंटर नहीं है। तो हमारा आइडिया ये है कि पहला इस्लामिक वर्ल्ड का स्टॉक सेंटर जो है हम वो इस्टेब्लिश करेंगे। ये एक थेरेप्यूटिक प्रोजेक्ट है, ठीक है, पोस्ट ट्रॉमेटिक पेशेंट्स के लिए, जो पेशेंट्स जिनके फालिज हो जाता है और उसके बाद उनके हैंड स्टिफ हो जाते हैं और मसल स्टिफ हो जाते हैं, फिर वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। उनकी डिफरेंट एक्सरसाइज होती है, बॉल एक्सरसाइज होती है, डिफरेंट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन के। तो हमारा एक्चुअली गोल ये है कि आपको पेशेंट्स, कुछ पेशेंट्स होते हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट के पास बार बार जा नहीं सकते, तो हमारा गोल ये है कि आप घर में ये मॉडल रख सकते हैं और घर में ही आप एक्सरसाइज करवा सकते हैं। शार्क प्रोग्राम के जरिए पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स को स्पॉन्सर भी किया गया। इस एग्जीबिशन का मकसद पाकिस्तान के नौजवानों की हौसला अफजाई करना और मुस्तकबिल में तरक्की राह पे गामजन करना है। इसका सोल पर्पस सिर्फ ये है कि पाकिस्तानी बच्चों को जो कि ग्रेजुएट साइंसेज में हैं, चाहे वो बिजनेस मैनेजमेंट हो या मेडिकल साइंसेज हो या टेक्सटाइल साइंसेज हो, एग्रीकल्चर साइंसेज में, उनको कॉन्फिडेंस दिलाएं कि जो उन्होंने अपनी कॉलेज में रिसर्च करी हुई है उससे आगे जाके वो चीज़ों को इनोवेट करके, कमर्शलाइजेशन रेडी करके अपना बिजनेस पाकिस्तान में बना सकें और वो प्रोडक्ट्स लेके आएँ जो कि फॉरेन प्रोडक्ट से कम्पीट करें, ताकि पाकिस्तान का सरमाया बचे। माशाल्लाह पिछले 14 साल से काम कर रहे हैं डाइस फाउंडेशन, और हम इसे कैसे करते हैं, हम इंडस्ट्री को बच्चों से मिलाते हैं कि जो मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स हैं वो फंड हों। ऑल पाकिस्तान हेल्थ इनोवेशन एग्जीबिशन में नौजवानों को अपनी महारत और सलाहियत का मुजाहरा करने का भरपूर मौका दिया गया। उम्मीद करते हैं मुस्तकबिल के मेमार पाकिस्तान की तरक्की और कामरानी में अहम किरदार अदा करेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई डिस्कवरी के साथ।